सरकार के बिना अधिकारियों के और एक जो एक नेक्सस बनता है उसके बिना फला फूला तो नहीं होगा। ऐसा तो नहीं है कि पिछली सरकार को इस माफिया का पता ना हो, चाहे वो भू माफिया की हम बात करें, चाहे खनन माफिया की बात करें, चाहे शराब माफिया की बात करें, चाहे एजुकेशन माफिया की बात करें, तमाम माफिया जो मध्य प्रदेश में पाया जाता है वो किसी से छुपा हुआ नहीं। और जब आम जनता भी उसके बारे में बहुत अच्छे से जानती थी तो ये कहना कि पिछली सरकार को इस माफिया राज के बारे में नहीं पता था या ये उनसे मिले जुले नहीं थे, ये सफेद झूठ होगा। तो आदरणीय कमलनाथ जी जो प्रदेश के नए मुखिया हैं, उन्होंने एक बार आज एक महत्वपूर्ण बैठक में बहुत साफ तौर पर सभी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जो आज उन्होंने बैठक बल्लभ भवन में ली, उसमें बड़ी सख्ती के साथ और बड़े साफ लफ्जों में उन्होंने ये बात कही है कि वो किसी भी तरह के माफिया को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि इतने सालों के राजनीतिक उनके जीवन में उन्होंने कभी भी किसी माफिया को बर्दाश्त नहीं किया है और अब मध्य प्रदेश में कोई भी माफिया नहीं चलेगा, चाहे वो कितना ही रकूबदार व्यक्ति हो, चाहे किसी से भी जुड़ा हो, चाहे राजनीतिक संरक्षण हो उसको या अधिकारियों का संरक्षण हो, कुछ भी किसी भी हाल में वो बख्शा नहीं जाएगा। और ये साफ तौर पर वो करके दिखा चुके हैं इंदौर में जब जीतू सोनिया जैसे माफिया राज का उन्होंने अंत किया और आम जनता को राहत वहां मिली है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पिछले 2 महीने पहले से उनके पास शिकायतें आ रही थी, आम जनता उनको सीधे मेल के माध्यम से ब्लैकमेलिंग की, जीतू सोनी की तमाम खबरें दे रही थी। और जब उन्होंने जीतू सोनी के बारे में पता लगाया तो एक पूरा एक माफिया राज दिखा जिसका अंत उन्होंने किया है। और उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि शुरुआत महानगरों से हम कर रहे हैं, इंदौर भोपाल जबलपुर और ग्वालियर से, और इसमें तमाम माफिया चाहे किसी भी तरह का शराब माफिया हो, भू माफिया हो, एक्सटॉर्शन माफिया हो, शिक्षा माफिया हो, दवाई माफिया हो, तमाम माफिया हर माफिया पे प्रहार करेंगे। और बड़े शब्द स्पष्ट शब्दों में उन्होंने तमाम सरकारी महकमे को भी सख्त संदेश दिया है कि जो इन माफियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है उसको ये माना जाएगा या कोई कोताही बरतता है तो उसको माना जाएगा कि वो माफिया के साथ है।